लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। नवीन भाई एयरपोर्ट पर दीबा पाटिल का नाम दिलाने आज सिरोने गांव में नगर सेविका माधुरी सुतार के नेतृत्व में मशाल मार्च निकाला गया। एयरपोर्ट नामकरण समन्वय समिति के नेता दशरथ भगत और डॉक्टर राजेश पाटिल ने महापौर जयवंत सुतार की उपस्थिति में सिरोने विद्यालय से मशाल माधुरी सुतार के हाथों में सुपुर्द किया। नगर सेविका माधुरी सुतार ने स्थानीय ग्रामस्थों के साथ मशाल मार्च निकालते हुए कहा कि एयरपोर्ट पर दीबा के सिवा दूसरा कोई भी नाम मंजूर नहीं है। देखिए रिपोर्ट। आंतरराष्ट्रीय विमानतळाला एकच नाव दिवा पाटील दिवा पाटील संघर्षाचा एकच नाव दिवा पाटील दिवा पाटील संघर्षाचा एकच नाव दिवा पाटील दिवा पाटील। सिडको और राज्य सरकार चाहे लाख चाहे लेकिन नवीन भाई एयरपोर्ट पर दीबा पाटिल का नाम फलक लगा कर रहेंगे, ऐसा जयघोष करते हुए आज प्रकल्पग्रस्तों ने नवीन भाई के सिरौने गांव में मशाल मार्च निकाला। इसकी शुरुआत सिरौने विद्यालय में हुई जहां एयरपोर्ट नामकरण समन्वय समिति के नेता दशरथ भगत और डॉक्टर राजेश पाटिल ने महापौर जयवंत सुतार की उपस्थिति में निवर्तमान नगर सेविका माधुरी सुतार के हाथों में यह मशाल सुपुर्द किया। माधुरी सुतार के नेतृत्व में यह मशाल सिरौने इलाका में घुमाया गया और प्रकल्पग्रस्तों को एकजुट रहने के लिए प्रेरित किया गया। इस अवसर पर महापौर जयवंत सुतार ने कहा कि प्रकल्पग्रस्त एयरपोर्ट पर दीबा पाटिल का नाम चाहते हैं, इसके सिवा उन्हें कोई दूसरा नाम मंजूर नहीं है, इसलिए सरकार को इस पर तत्काल फैसला लेना चाहिए। पवित्रांचे प्रकल्पग्रस्तांचे आणि दलितांचे कैवारी दीबा पाटिल यांनी या नवी मुंबई मध्ये नागरिकांना न्याय हक्कासाठी संघर्ष केला आणि आज ज्या जमिनीवर आंतरराष्ट्रीय विमानतळ होते त्या विमानतळाला दीबा पाटील यांचं नाव द्यावं म्हणून परमपूज्य बाबासाहेब आंबेडकरनी लिहिलेल्या संविधानाच्या अनुषंगानं त्या ठिकाणी साखळी आंदोलन झालं, त्यानंतर घेराव आंदोलन, आज 9 ऑगस्ट म्हणजे क्रांती दिन आणि ह्या दिवशी एक मशाल रॅली या अनुषंगाने आयोजन केलेलं आहे। सर्वसामान्य जनतेमध्ये एक खतखत आहे, ती खतखत निश्चित स्वरूपामध्ये अशा पद्धतीनं प्रज्वलित राहील आणि दीबा पाटील यांचं आंतरराष्ट्रीय विमानतळाला नाव दिल्याशिवाय प्रकल्पग्रस्त स्वस्थ बसणार नाहीत या मशाल मोर्चावरून एक शासनाला शिडको प्रशासनाला त्या ठिकाणी इशारा आहे। ब्युरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया।